हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद हुआ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम आप लोग का इस तरह के फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करके दिखाते हैं। इसी तरह के फ़ोटो आप लोग का एडिट भी करके दिखाएंगे दोस्तों। देखिए चलिए दोस्तों, हम लोग बताते हैं। तो यहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट में जाने के बाद दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। पहले अपना बैकग्राउंड को ले लेंगे। बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों देखिए नीचे में एप्लीकेशन बहुत मैंने इधर आने के बाद दोस्तों देखिए नीचे में देखिए दोस्तों ऐड फोटो का एप्लीकेशन है। ऐड फोटो पर जाने के बाद अपना फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लिए हैं। फिर ऊपर में देखिए, ऊपर में ऐड का ऑप्शन है दोस्तों, ऐड पर क्लिक करके दोस्तों देखिए हमारे पास फ़ोटो का जूम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अपना फ़ोटो को कर लिए दोस्तों। यहाँ से करने के बाद अपना साइज देख लेंगे। देखिए हमारा फ़ोटो दोस्तों कुछ कर लिए हैं। करने के बाद ऊपर में देखिए सेव का ऑप्शन, यहाँ से डन कर देते हैं। डन करने के बाद देखिए नीचे में देखिए एक एप्लीकेशन है इफेक्स का। देखिए इफेक्स का ऑप्शन है। इफेक्स पर जाने के बाद दोस्तों देखिए नीचे में एक एप्लीकेशन है कलर से। देखिए पर जाने के बाद दोस्तों देखिए कॉलर रिप्लाइस लिखा हुआ है। देखिए बताते हैं दोस्तों, यह इस पर जाने के बाद देखिए आप लोग का रंग चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड कलर की रंग। लोडिंग ले रहा देखिए लोडिंग हो चुका है। कलर चेंज कर देते हैं। देखिए बैकग्राउंड की कलर कर देते हैं हरा। देखिए बैकग्राउंड की कलर कर लिए दोस्तों हरा। फिर ऊपर में से देखिए दोस्तों हो गया हमारा। डन कर लेते हैं। देखिए डन करिए दोस्तों। यहाँ से अपना फ़ोटो को गैलरी में सेव करने के लिए देखिए ऊपर में ऑप्शन है, इस पर जाने के बाद दोस्तों सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों हमारा गैलरी में सेव हो चुका है। ये फ़ोटो सिंपल सेव कर लिए। फिर और इसमें कुछ करना है देखिए दोस्तों, तो अपना एक PNG डाउनलोड कर लेना। करने के बाद दोस्तों देखिए ऐड फोटो पर जाने के बाद देखिए हम PNG देने के लिए भूल गए दोस्तों। चलिए देखिए आप लोग को बताते हैं PNG को। देखें ये सब आप लोग PNG गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से देखिए ये हमारा PNG, इसको हम कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद देखिए नीचे में आइए बलून का ऑप्शन है। पर जाने के बाद देखिए हमारा फोटो का रिमूव कर लिए हैं। करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं और इसको वोल्टेज कम कर लेते हैं। देखिए करने के बाद यहाँ कर देते हैं। देखिए हमारा भाई का जॉब नहीं है, हमारा फोटो एडिट हो चुका है। देखिए ऊपर से फिर डन कर लेते हैं। करने के बाद अब यहाँ से आप लोग का फिर से कलर का चेंज करना है, तो फिर से आइए कलर रिमूव पर, फिर बैकग्राउंड और फिर रिमूव करके देखिए हमारा ये बैकग्राउंड इस कलर की कर लेते हैं। फिर करने के बाद फिर से आप लोग कर लें, फिर डन कर देते हैं। करने के बाद फिर से फेस पर जाते हैं। फेस पर जाने के बाद और फिर से कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके कर लें दोस्तों। करने के बाद डन कर देते हैं। डन करने के बाद ऊपर के आइकन से सेव कर लेते हैं। फिर से गैलरी में अपना फोटो को हमारा फोटो गैलरी में सेव हो चुका है दोस्तों। चलिए आप लोग बताते हैं गैलरी में फोटो। देखिए फॉर मैनेजर ने बता दें, देखिए हमारा फोटो हो चुका है, गैलरी में भी आ चुका है, फाइल में भी। देखिए हो गया दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।